सर एक प्रचार अपना अलग चीज है, पोस्टर लगाने से जरूरी नहीं है कि विकास हुआ हो। दोगे योगी सरकार को 10 में से 0 ही देंगे। क्या लगता है चाचा, प्रदेश में काम हुआ है कि नहीं? देखिए, काम जैसा अखिलेश सरकार ने छोड़ा था उससे और दो कदम पीछे ही पहुंच गए। साइकिल दौड़ेगी फुल का तो काम खत्म हो गया। धोती खोल के पगड़ी बांधने वाला काम चल रहा है इस टाइम। परिवर्तन होगा, परिवर्तन चाहती है पब्लिक, परिवर्तन ही होगा। समाजवादी आएगी, 100% परिवर्तन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और हमारी टीम जो है लगातार जो है उत्तर प्रदेश के गांव-गांव और शहरों में जाकर जानने की कोशिश कर रही है कि जो योगी सरकार है उन्होंने 4.5 साल का वक्त हो चुका है, कितना विकास किया, युवाओं के लिए कितना काम किया, शिक्षा पे कितना काम किया, किया भी या नहीं किया है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हम पहुँचे रामपुर, जिला रामपुर में पहुँचे हैं और रामपुर के गांव है खिजरपुर, यहाँ पहुँचे, यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस गांव में कितना विकास हुआ है, प्रदेश में कितना विकास हुआ है और आने वाले समय में किसकी सरकार देखते हैं। ऊपर का वक्त हो चुका है, कहाँ कमियाँ रह गई? यहाँ पर कोई सरकार कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ तक जो लॉकडाउन लगा है, बच्चों के स्कूल तक बंद है, बच्चों से जो कुछ उनके याद था वो सब कुछ भूल गए। और जो इससे पहले लास्ट सरकार थी, मतलब कांग्रेस सरकार थी, उसने बहुत बेस्ट था, बहुत बेहतर था। ऑनलाइन क्लास चल तो रहे, कैसे भूल गए सब? अरे नहीं, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती है, वो खाली फॉर्मेलिटी गलती पूरी करने के लिए होता है, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई नहीं होती नहीं नहीं उसमें पढ़ाई उसी। जब आप बात सुनिए, जो आप सपोज कीजिए कि जब हम बच्चे को सामने पढ़ाते हैं कि ये पढ़ो, उसकी समझ नहीं आता तो फिर ऑनलाइन क्या समझाएगा, उसकी फोन पर क्या समझाएगा? तो क्या यह लगता है यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलती है तो डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो डिजिटल गांव बना है नहीं बना है? नहीं, वो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ क्या कहते हैं, आप सपोज कीजिए, मैंने पहले भी बोला कि जब हम बच्चों को सामने पढ़ाते हैं जब उसके ठीक समझ नहीं आ पाता तो ऑनलाइन में क्या समझेगा, ऑनलाइन में क्या समझेगा? शिक्षा व्यवस्था बहुत जो है इस पर बहुत सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश के जिस गांव में गए हम, जिस शहर में गए, वहां सबसे बड़ा मुद्दा जो लग रहा है शिक्षा का मुद्दा है। क्या लगता है क्या शिक्षा का मुद्दा बड़ा है इस बार? देखिए, बेसिकली जो भी सरकार आई थी अभी हमारी, इससे पहले कांग्रेस के बाद जो बीजेपी आई थी वो कई मुद्दों पर आई थी। उसका एक मुद्दा था जिसमें था रोजगार और दूसरा था महंगाई को कम करना। उसमें आपने उस टाइम की गवर्नमेंट जब बीजेपी ने प्रदर्शन वगैरह किए थे तो उसमें आपने देखा होगा सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी, दो लेडीज़ का बड़ा बड़ा रोल था। उन्होंने आलू प्याज की मालाएं पहन के और रोडों पे निकली थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो महंगाई के नाम पे कोई प्रदर्शन नहीं है, हमारे पास कोई विपक्ष नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आप दोनों का विपक्ष देख लो, कोई भी बाहर नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो आप हमारे ये गांव है रामपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अगर आप यहां की बात करें लाइट की, दूसरी बात करें आप नेटवर्क की, तो बहुत ही इस मामले में बहुत ही बेकार है। यहां लाइट पे नहीं आ रही है, लाइट योगी जी कह रहे हैं 18 घंटे दे रहे हैं गाँव में, 18 घंटे का मुश्किल से अगर 4-5 घंटे आ जाए तो बहुत बड़ी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। 18 घंटे का क्या पूरा नहीं हो रहा है? क्या अभी कोई भी पूरा नहीं हो रहा है और लोगों को बिलों में लोगों को दिक्कतें आती हैं, जमा करने में परेशानियां आती हैं, हाँ लोगों को ज्यादा बिल निकाल के दे दिया करते हैं और मीटर भी काट दिया करते हैं लोगों के, और बहुत बड़ी समस्या होती है गाँव जी। और यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। जो मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि इसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा, मेरा जो कनेक्शन कटे हुए कम से कम 3 महीने हो गए हैं, मैंने पैसे भी जमा कर दिया हूँ और क्या कहते हैं अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे क्या बिजली का क्या मीटर नहीं लगा? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं है, अंधेरे में रहना पड़ता है और गर्मी में रहना पड़ता है। गर्मी में क्या कह रहे थे आप? देखिए, बिजली की जहाँ तक आपकी समस्या की बात है तो बिजली की समस्या का ये, एक तो बिजली पर सख्ती बहुत है, जिन लोगों के मीटर नहीं है उन पर सख्ती तो बहुत है, उनके ऊपर बहुत सारी पेनाल्टीज वगैरह भी पड़ रही हैं, लेकिन लाइट की कोई सही व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात ये कि लोगों को बहुत परेशान किया जाता है लाइट के ऊपर, आए दिन चेकिंग वगैरह के नाम पे बहुत वसूली की जाती है, जबकि लाइट की कंडीशन ये है 4-5 घंटे मुश्किल से 24 घंटे में लाइट आती है। क्या लगता है कि बिजली बिल की बात करिए? दूसरी चीज़, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, इस गाँव की समस्या है, आसपास के एरियो की समस्या है, वो है नेटवर्क की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा गांव हर लिहाज से बहुत डेवलप्ड है, एजुकेशन के मामले में देखेंगे तो एरिया में सबसे एजुकेटेड गांव है हमारा, लेकिन यहां पर नेटवर्क 0 है, नेट तो चलता ही नहीं है, बात भी बहुत मुश्किल से हो पाती है, इंटरनेट नहीं चलता तो क्लास कैसे चलती है? ऑनलाइन क्लास चलती नहीं है, क्लास कैसे चलेगी इंटरनेट नहीं, तो बात संभाल के भी नहीं होती, या बात तक तो होती नहीं तरीके से। अच्छा, तो नेट की चलेगा यहाँ, नेट चलना तो बहुत दूर की बात है। बिजली के बिल को लेकर भी बहुत सवाल है, योगी अखिलेश यादव ने वादा कर दिया 300 बिजली यूनिट जो फ्री देंगे जी, अखिलेश यादव ने वादा किया है और वादे पूरे किए भी हैं, और जैसे कि आपको बताया कि केजरीवाल जी साथ में आ रहे हैं यूपी में, तो केजरीवाल ने अपना जो है पूरा मुद्दा
क्या कहते हैं जैसे वादे किए थे दिल्ली के अंदर, वैसे उसने पूरे भी किए हैं। तो योगी जी ने वादे पूरे किए हैं नहीं किए हैं? योगी जी ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। वादा क्या किया है, लाइट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइट की है। लाइट 18 घंटे के लिए बोला था, मुश्किल से मुश्किल 5 घंटे लाइट आ रही है। पोस्टर में लगे हैं कि 18 घंटे लाइट आ रही है, स्मार्ट शहर बन गया उत्तर प्रदेश। मुश्किल से सर 5 घंटे लाइट आ रही है। और एजुकेशन के मामले में इतना पीछे हो गया है कि जो न्यू जनरेशन है वो शायद आने वाले 10 साल में भी नहीं सुधर पाएगी। क्योंकि जी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, तो बच्चे को मोबाइल मल्टी मोबाइल दे दिया। ऑलरेडी बच्चा वैसे ही पढ़ाई में वीक है, और ऑनलाइन जब बच्चों को मोबाइल लेके दिया जाएगा तब फिर क्या प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम हो क्या कह रहे थे? देखिए जो युवाओं का मेन मुद्दा रहता है वो रहता है रोजगार का। आप आज की डेट में देखोगे तो बेरोजगारी बहुत बड़ी है। उसके रोजगार कैसे कह रहे हैं बेरोजगारी बड़ी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 4 लाख नौकरियां दी हैं। वो देखिए वो सब जुमले एक तरह से पहले कहते हैं ना जुमला, बीजेपी जो है जुमलावाज पार्टी है, और आप इस तरीके को अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोगों के बीच जाएंगे आपको पता चला जाएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब जब सबका साथ सबका विकास आप लेके चलेंगे तो उसके लिए आपको आइडियोलॉजी बहुत मायने रखती है। लेकिन आप एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को अहमियत देते हैं, दूसरी आइडियोलॉजी को अहमियत नहीं देते। सबके साथ सबके विकास में आपको सबको साथ लेना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। चलना पड़ा क्या, रोजगार नहीं मिला? रोजगार कहाँ है योगी जी बताएं, 4 लाख रोजगार कहाँ दे दी उन्होंने? पोस्टर के ऐसे लगा दिए कहाँ, तो लगा दिए नाटक में, दिल्ली में, मुंबई में, काल झूठ है सब। यूपी में कहाँ 4 लाख रोजगार दिए उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया। क्या लग रहा है मिला क्या युवा रोजगार? सर कहते हैं जैसे कि रोजगार की बात करें तो रोजगार यूपी में 4 लाख रोजगार के वादा किया था, पर यहाँ पे 0% रोजगार नहीं मिल पाया लोगों को। और जो रोजगार था वो भी छीन लिया गया, वो भी छीन गया क्योंकि लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बहाने से सारा कुछ करने के उससे वो भी जो था जिस लोग वर्क करते थे अपना, उन चीज़ों में सारा कुछ लोगों की जो मेंटेलिटी थी, मतलब लॉकडाउन लगा वो चेंज हो गई। असर पड़ा, रोजगार मिला नहीं, रोजगार क्या है, क्या कहेंगे युवा है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही नहीं? सर मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं चल रही है, जिसमें आपने बोला था कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ऑनलाइन के सिस्टम में तो पहले नेटवर्क की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, नेटवर्क होना चाहिए जब भी तो पढ़ाई होगी। जब डिजिटल इंडिया बना दिया प्रधानमंत्री ने, आपके नेटवर्क नहीं है। सर डिजिटल इंडिया तब बनेगा ना, पहले नेटवर्क ही आना चाहिए ना। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो यहाँ पर कैसे पढ़ाई होगी? इसी वजह से लोग जो गरीब लोग हैं बेचारे वो ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन यूपी बोर्ड वाले ऑनलाइन क्लास ही नहीं देते, क्लास इसलिए नहीं देते कहते अपने पहले नेटवर्क संभलवाओ। जब नेटवर्क नहीं संभलवाओगे तो कहाँ से पढ़ाई देंगे? इसी वजह से जो शिक्षित लोग हैं अनिश्चित, मतलब दोनों इक्वल हो चुके हैं। कहना है कि ऑनलाइन क्लास गांव में जो है नेटवर्क की बड़ी समस्या है, और साफ तौर में जो ये बड़ा मुद्दा शिक्षा का है, कह रहे हैं कि अब जो है एजुकेशन जो है यूटर्न ले चुका है, पीछे जा रहा है, और जो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो बिना पढ़े एक साथ होते जा रहे हैं, तो देश तो विकास कर रहा है? अब देखिए हमारे देश में आप कंडीशन देखेंगे आज की डेट में, बीजेपी से किसान नाराज है और आम आदमी बहुत नाराज है। आप देखेंगे किसान की ये हालत है, आपको पता होगा डीजल पेट्रोल के दाम रुकने के नाम नहीं ले रहा है, जिससे कि किसानों पे तो विकास हो रहा है इसलिए नहीं रुक रहा है। जी हाँ, आप विकास की बात करते हैं, आप यहाँ पे लोग किसान लोग हैं, आप पूछ के देखिए कितने लोगों ने, अगर ये बारिश नहीं होती तो कितने लोग धान लगाते, सिर्फ डीजल के पेट्रोल डीजल और पेट्रोल के दाम की वजह से, डीजल की महंगाई की वजह से। कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी या कोई भी नेता कह रहे हैं विकास हो रहा है इसलिए महंगाई पड़ रहा है डीजल पेट्रोल का दाम? नहीं नहीं, इससे मतलब क्या कहते हैं कि मतलब विकास से महंगाई क्या वास्ता है? पिछली सरकारों ने विकास नहीं किया क्या? अब आप बात सुनिए, अच्छा समाजवादी सरकार में कितना विकास था, हर तरफ चारों तरफ रोडों का जाल बिछा हुआ था, तब कितनी महंगाई थी बताइए। आज तेल के रेट, खाने का तेल जो है क्या कहते हैं 80 रुपये से 170 रुपये हो, मिलावट खत्म हो गई इसलिए कृषि मंत्री, ऐसा कुछ नहीं है मिलावट खत्म नहीं है, मिलावट हो गई। बीजेपी पूरी सरकार है, बीजेपी पूरी मिलावट की बनी हुई है, मिलावट की बनी हुई सरकार कह रही है। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो अगर सरकार कुछ देना चाहती है किसान को, किसान का मुद्दा तो है सबसे पहले, अगर ये डीजल पेट्रोल कम कर जाते हैं तो ये किसान वहीं पे डीजल पेट्रोल दें, डीजल दें किसान वहीं पे किसान को। कुछ लोग कहते हैं कि 500 रुपये पेट्रोल हो जाए तब भी हम लेंगे, तो वो उनका अपना मत है, क्या है क्या नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या वो बीजेपी के जो क्या कहते हैं गुलामी करने की जिन लोगों को आदत पड़ गई है वही ये चीज़ बोलते हैं कि पेट्रोल अगर 200 हो जाए 500 हो जाए, पर क्या कहते हैं जो आम आदमी जो लोड पड़ रहा है वो नहीं देख पा रहे उस आदमी को, ठीक है। और जो क्या कहते हैं ये तो दल्ले हैं जो बीजेपी के साथ हैं, ठीक है। क्या कह रहा था? अरे साहब ये बताइए, जो लोग कहते हैं कि 500 रुपये कोई पेट्रोल होगा हम लेंगे, तो क्या आप उनसे ये पूछेंगे कि 500 रुपये दिहाड़ी वो कमाते हैं दिन में? आप इतने लोग हैं, गांव में जाइए, गांव में बेचारा कौन 500 रुपये की दिहाड़ी कमाता है जो 500 रुपये का पेट्रोल या डीजल खरीदेगा। दूसरी चीज़, डीजल पेट्रोल के दाम आप छोड़ दीजिए, ठीक है, खाने की चीज़ें दे लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, और भी बहुत सारी जो डेली यूज की चीज़ें जो खाने की चीज़ें उनकी महंगाई देख लीजिए आप, आम आदमी की बहुत से बाहर होती जा रही है। महंगाई मुद्दा होगा क्या इस बार चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल होगा, महंगाई मुद्दा होगा सबसे पहले जो है। इस टाइम महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है हर
वर्ग का लोग जो है महंगाई से परेशान है, वो चाहे किसान हो, चाहे जो जॉब करने वाले लोग हों, वो सबसे ज्यादा महंगाई परेशान कर रही है। महंगाई का मुद्दा किसान के लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी वाला है। उसका सबसे पहला मुद्दा ये पेस्टिसाइड पे लगातार पैसे बढ़ रहे हैं, खाद पे पैसे बढ़ रहे हैं, डीजल महंगा। सम्मान निधि भी तो दे रहे हैं किसानों को। वो तो धोती खोल के पगड़ी बांधने वाला काम चल रहा है इस टाइम। अच्छा। हाँ, धोती खोल के पगड़ी बांध दे रहे हैं इस टाइम। धोती खोल के पगड़ी मतलब समझा नहीं, क्या थोड़ा समझाइए। समझे ये कि डीजल पेट्रोल, डीजल से सिंचाई होती है मुख्य किसान जो करते हैं, तो 2000 की सब्सिडी दे दी, उससे ज्यादा कहीं डीजल पे पैसे वसूल कर लिए। विकास में हाथ नहीं ले देंगे क्या? विकास हो रहा, महंगाई हो रही है। आप भी सर्वे में रहते हैं, आपको लगता है कहीं विकास हो रहा है? गड्ढे नहीं, मुक्त नहीं हुआ क्या प्रदेश? रोडें जितनी बनती हैं ज़्यादातर तो ये टोल टैक्स वाले और ये सब बैठे हुए हैं। नौकरियाँ क्या हाल है? 4 लाख नौकरी में दिए होगी सरकार? किस फील्ड में दिए बताएं, वो लिखित में बताएं कहाँ से है नौकरी, किस फील्ड में उन्होंने नौकरी दी है। कोई लेखपाल लगे हैं या पटवारी बोलते हैं यहाँ, वो लगे हैं नए, कोई मास्टर लगे हैं नए, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में नई भर्ती हुई है, बताएं लिखित में बताएं, पेपर वर्किंग के अकॉर्डिंग बताएं। ऐसे जुबानी जुमलेबाजी से क्या रहता है? कोई ये कहे कि उन्होंने 10 लाख नौकरी लगा दी तो जुमलेबाजी है, वो तो जुमलेबाजी हो रही है। क्या लगता है अब चुनाव फिर से आ रहा है, 22 का चुनाव में बस कुछ वक्त बचा है, क्या लगता है सत्ता में परिवर्तन होगा या सत्ता वापसी कर सकते योगी आदित्यनाथ? परिवर्तन होगा, परिवर्तन चाहती है पब्लिक, परिवर्तन ही होगा। समाजवादी आएगी, 100% परिवर्तन होगा। समाजवादी की और भी बड़े से चेहरे हैं, कांग्रेस है या फिर समाजवादी आएगी। समाजवादी ने लोगों के बीच आके काम किया है और जो यूपी जैसे पिछड़ा हुआ था, समाजवादी की अखिलेश यादव जी आए और उन्होंने ही सारे रोड वोड सब चीज़ सही ठीक कराई और क्या कहते हैं बहुत सारा विकास हुआ और एजुकेशन के मामले में भी बहुत अपर लेवल पर आ गया था। अपर लेवल पर आ गया, बिल्कुल। क्या लगता है परिवर्तन होगा भैया सत्ता वापसी? नहीं नहीं, परिवर्तन होगा, 100% होगा। मैं तो कहूँगा डबल 100% होगा। हाँ, समाजवादी ही आएगी और सेंटर में चाहता हूँ कांग्रेस आए। सेंटर में कांग्रेस, यहाँ पे अभी तो चले ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो यहीं की बात करते हैं। तो यहाँ तो क्या कहते हैं, ये समाजवादी पक्का आएगी, साइकिल दौड़ेगी और फुल का तो काम खत्म हो गया। साइकिल दौड़ेगी क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है तो साइकिल चलाओ, तो क्या लगता है साइकिल चलाएगी क्या यूपी की जनता? देखिए, ये इस टाइम अगर विपक्ष आए तो पूरे तरीके से इस मुद्दे को भुना सकती है क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और भी ये डिजिटल इंडिया जो है यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, ये मुद्दा है। तो विपक्ष को बाहर आएगी तो अच्छा मौका है विपक्ष के पास कि वो इस मुद्दे को भुना सकते हैं। क्या लगता है इस बार 22 में कैसे देखते हैं? 22 में देखिए, अगर आप यूपी की बात करें तो समाजवादी की स्थिति बहुत अच्छी है। क्या लगता है चाचा, प्रदेश प्रदेश में काम हुआ है कि नहीं? देखिए, काम जैसा अखिलेश सरकार ने छोड़ा था उससे और दो कदम पीछे ही पहुंच गए हैं। वो तो कह रहे हैं अखिलेश सरकार ने जहां छोड़ा था उससे 4 कदम आगे चलेगा। कहां, किस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र की बात? नौकरी दी 4 लाख, कौन सी नौकरी? विकास दिया, स्मार्ट सिटी बनाया। कहां दिया विकास? मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र में एक कोसी नदी पर एक पुल बना हुआ था जो कि 70% काम हो चुका था उसका। अच्छा, ये लालपुर डैम की बात कर रहे हैं जी? और आज भी वो 70% काम ही पड़ा है और 30% काम ये सरकार 5 साल में करा नहीं पाई। तो कहाँ विकास, किसको कहेंगे विकास? अच्छा, इसी के आगे एक बैराज बना हुआ, बड़ी अच्छी लागत के साथ गवर्नमेंट का पैसा उसके अंदर लगा हुआ है, लेकिन वो पैसा भी गल गया एक तरीके से पूरा। उसमें भी जितना काम हो सका था 70%। रोडों पे ताल ठोकते हैं कि रोड हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं बीजेपी, हमें रोडों पे नहीं। कौन सी रोड की बात कर रहे हैं? रामपुर की अगर बात करें तो जितने भी समाजवादी गवर्नमेंट में अगर हो गए थे उसके अलावा कोई दूसरी रोड हुई नहीं, नहीं हुई है। तो क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा क्या? अब ये तो जनता के मूड के ऊपर है, अभी बहुत सारे लोकल मुद्दे भी होते हैं जिसकी वजह से जनता तत्काल फैसला करती है। कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ को 10 में से? 10 में से? हाँ, 10 में से 2 या 2.5 नंबर। 2.5 नंबर देंगे जी? यानी कुछ किया है 2.5 नंबर लायक? 2.5 नंबर का मतलब इतना तो किया है कि भाई जब सरकार है अपनी एक जिम्मेदारी निभाती है। 18 घंटे नहीं, लाइट का देखिए स्ट्रक्चर पूरा अखिलेश सरकार का खड़ा हुआ है। अच्छा, इन्होंने कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया है। क्या लगता है कितने नंबर देंगे 10 में से? 0 0, कुछ नहीं किया? कुछ तो क्या हुआ? 0 नंबर सर, क्या कहते हैं जो वादे किए थे पूरे अपने वादों से खिलाफ हैं, तो इस जगह पे नंबर देने का तो कोई सवाल ही नहीं आ रहा। 10 में से 0 है। 10 में 0। और भी लोग कितने नंबर दोगे योगी सरकार को? 10 में से 0 ही देंगे। वो क्या, हमारे लिए तो एजुकेशन मस्ट है, तो वो हमारे लिए पूरी नहीं कर पाए तो हमारी जो मतलब जो एजुकेटेड लोग थे, मतलब जो क्या कहते हैं पढ़ाई कर रहे थे, वो तो इक्वल हो चुकी है ना, मतलब लेवल इक्वल कर चुके हैं, मतलब पढ़े लिखे और न पढ़े लिखे मतलब दोनों एक बराबर हो गए। हाँ, इसी वजह से। क्या कितने नंबर देंगे योगी सरकार को?
जी दोगी सरकार को नंबर जीरो ही देंगे। जिन जिन मुद्दे पर ये सरकार आई थी वो एक भी इन्होंने अपना मुद्दा पूरा नहीं किया। जब सरकार कोई भी अगर पार्लियामेंट आती है तो अपने एक वादे लेकर आती है, वो वादे ही पूरे नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे। यंग जो हमारा यूथ है उसके लिए रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो पोस्टर तो लगाए हैं वो क्या ऐसे लगा? पोस्टर एक प्रचार अपना अलग चीज़ है, पोस्टर लगाने से जरूरी नहीं है कि विकास हुआ हो। तो इस चीज़ से कोई मतलब मायने नहीं रखता। अगर कुछ विकास करते वो दिखता है, फिर गाँव में रोड देख लीजिए आप, अब गाँव में खड़े क्या है, कंडीशन देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ 4 घंटे लाइट नहीं आ रही? नहीं आ रही है, 4 से 5 घंटे लाइट आती है। मैं जो डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, डिजिटल इंडिया कहाँ है? हमारे गांव में ही देख लीजिए, नेटवर्क की सुविधा ही नहीं है। पहली बात नेटवर्क की नहीं, दिक्कत है नेटवर्क की, बहुत बड़ी दिक्कत है नेटवर्क की। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो यहाँ कहाँ से कर पाएंगे? तो क्या लगता है 22 में देखते हैं। अभी फिलहाल जनता ने अपना मूड बना लिया, मतलब परिवर्तन। चलिए नाम नहीं बता रहे हैं कि किसको देंगे वोट, ये पूछने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन परिवर्तन होगा कि वापसी होगी सरकार? देखते हैं, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है आने वाले टाइम के लिए, यूथ के लिए, यंग यूथ के लिए, बच्चों के लिए परिवर्तन बहुत ज्यादा परिवर्तन जरूरी है। साफ तौर पर जो है गाँव गाँव घूम रहे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो शिक्षा का मुद्दा है। दूसरा जो जिसमें ताल ठोकते थे योगी आदित्यनाथ के, हमने 18 घंटे से ज़्यादा बिजली दी है। जब हम गाँव में पहुँचे तो गाँव वाले कहते हैं कि बिजली महंगी है, चेकिंग बहुत है, लेकिन बिजली नहीं है। शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, वो भी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है, सिर्फ पोस्टर है। लेकिन क्या होगा 2022 में? वापसी करेंगे योगी आदित्यनाथ या नहीं, या फिर जो नाराज नजर आ रही है, कई जो लोग हैं योगी आदित्यनाथ को नंबर भी देते हैं, कई लोग नहीं भी देते हैं, लेकिन जनता का मूड जो है वो 2022 में पता चलेगा कि क्या होगा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का सरताज, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।